हेलो एवरीवन आज हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ क्या होती है दोज एलिमेंट विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती है अब उसमें उन एलिमेंट्स का एटोमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने लिया नाइट्रोजन एन माइनस थ्री ऑक्सीजन ओ माइनस टू एफ माइनस नियोन सोडियम एन ए प्लस एम जी प्लस टू एंड एल्यूमिनियम प्लस थ्री यहाँ इसमें अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो इनके एटॉमिक नंबर सबके डिफरेंट है नाइट्रोजन का सेवन ऑक्सीजन का एट फ्लोरिन का नाइन नियोन का टेन सोडियम का एलेवन मैग्नीशियम का ट्वेल्व एंड एल्यूमिनियम का थर्टीन लेकिन इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट आएंगे क्योंकि कि किसी कुछ एटम्स ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करें हैं और कुछ एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें यहाँ पर नाइट्रोजन ने तीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे टेन ऑक्सीजन ने टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें तो इसके हो जाएंगे टेन फ्लोरिन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसका टेन है न्योन न्योन्यूट्रम एटम है तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने रहेगा एटॉमिक नंबर के बराबर तो इसका टेन होगा सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर इलेवन है यानी न्यूट्रल सोडियम में इलेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो यहाँ पर सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया टेन ऐसे मैग्नीशियम में ट्वेल्व माइनस टू टेन एंड एल्यूमिनियम ने तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए टेन यानी इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेम है तो ये आपस में क्या कहलाती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती है अब हम इसकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीस में हम न्यूक्लियर चार्जेस की बात करते हैं न्यूक्लियर चार्जेस का मतलब है इन सिंपल लैंग्वेज न्यूक्लियर चार्जेस का मतलब है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कितनी पावर से अट्रैक्ट करता है और इसको फॉर्मूला से निकालते हैं जेड बाई ई जेड मीन्स एटोमिक नंबर और ई मिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसका न्यूक्लियर चार्जेस आ गया पॉइंट सेवन पॉइंट एट पॉइंट नाइन वन एंड वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू एंड वन पॉइंट थ्री ठीक है अब हम इसके साइज़ की बात करते हैं साइज़ में यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है बट इनका साइज़ डिफरेंट आएगा क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्जेस डिफरेंट है अब इसमें न्यूक्लियर चार्जेस डिफरेंट आ रहा है क्योंकि अब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि न्यूक्र चार्जेस इंक्रीज़ हो रहा है न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज़ होने से न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को उतने ही इलेक्ट्रॉन को सब में इलेक्ट्रॉन टेन है और लेकिन न्यूक्लियर न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज़ हो रहा है तो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को मोर पावर से अट्रैक्ट करेगा लेफ्ट लेफ़्ट टू राइट right जाने पर तो यानी न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज़ हो रहा है तो रेडियस इसकी घट रही है थैंक यू